Zoom Iskoteko. Zoom Iskoteko. Welcome back to Planet Bollywood, the big story. आप देख रहे हैं शाहरुख और सलमान की ये दूरियां। रमेश तौरानी की 25th वेडिंग एनिवर्सरी की शानदार पार्टी में बॉलीवुड खान्स के बीच की दूरियां भी नजर आईं। शाहरुख खान और सलमान खान इस पार्टी में आए जरूर, लेकिन अलग अलग वक्त पर। कहीं एक दूसरे का सामना करने से बचने की एक और कोशिश तो नहीं थी? ना जाने कब खत्म होंगी ये दूरियां। ये दूरियां, शाहरुख खान के कदम जिस मंजिल की तरफ बढ़ रहे हैं, उसी राह पर चले आए सलमान खान भी। मौका ठीक ऐसा था जहां दोनों का हो सकता था आमना सामना, पर अफसोस ये हो ना सका, क्योंकि लगता तो यही है कि बॉलीवुड के दोनों बिग खान्स ने खा ली है कसम एक दूसरे का सामना ना करने की। हम आपको बता दें कि किंग खान और सलमान दरअसल पहुंचे थे रमेश तौरानी और उनकी वाइफ की 25th मैरिज एनिवर्सरी की इस पार्टी में, पर दोनों ने अवॉइड कर दी सिचुएशन एक दूसरे के आमने सामने आने की, क्योंकि अगर दोनों सितारे इस फंक्शन में मिल जाते तो हो सकता है दूर हो जाते गिले शिकवे, शायद खत्म हो जाती एक साल से भी ज्यादा वक्त से चली आ रही दोनों के बीच की दूरियां। पर लगता है ना तो इनकी किस्मत को ही मंजूर है कि दोनों के फासले मिटे, और ना ही ये दोनों चाहते हैं आपस में नजदीकियों की बात। शायद इसीलिए जानबूझकर दोनों खान से नहीं आने दिया सीज फायर का कोई भी मौका। पर किंग खान तो किंग खान है, उन्होंने तौरानी से अपने पुराने एसोसिएशन का फर्ज बखूबी निभाया इस कपल को विश करके। Wish them both all the best. They are the first people who released my music when I did Rajbhavan Ka Gentleman. He's really a sweet gentleman and his family, I've known them through good and bad times. They're always very considerate, so I wish them all the love and happiness. So. और फिर पार्टी में शाहरुख खान नजर आए जूही चावला के साथ भी, यानी इसी बहाने उन्हें मिल गया अपने कुछ पुराने दोस्तों से मुलाकात का मौका। It's nice to meet my old friends. And to meet Varsha ji and Ramesh ji, so really nice. लेकिन सलमान का यहाँ दिखा अपना ही अंदाज। शायद किंग खान को अवॉइड करने का मन बनाकर आए थे सलमान खान, इसीलिए इसकी कड़वाहट निकलती दिखी मीडिया पर। How do you wish? आराम से पूछो। How do you wish? इतना नहीं आता। How do you wish? इसे happy wedding anniversary. Happy silver jubilee. Thank you. Thank you. यानी एक बार फिर किंग ऑफ बॉलीवुड शाहरुख खान और सलमान खान ने अवॉइड कर दिया है एक दूसरे को। अब बार बार ऐसा होना तो इत्तेफाक नहीं लगता, क्योंकि पिछली बार अमृता अरोरा की वेडिंग में भी ये दोनों सितारे पहुंचे तो जरूर थे, लेकिन टाइमिंग थी एकदम डिफरेंट। और इस बार भी हुआ कुछ ऐसा ही। इस बार भी ओकेशन ही कुछ ऐसा था कि इंडस्ट्री से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी हस्तियां पहुंची रमेश तौरानी और उनकी वाइफ को विश करने। अपनी बेस्ट विशेस देने पहुंचे दोनों खान ने यहां पूरा रखा ख्याल कि एक दूसरे का ना हो जाए आमना सामना। किंग खान आए तो अपनी स्टाइल में, वहीं सलमान गए तो बिल्कुल अपने जाने पहचाने अंदाज के साथ। कुल मिलाकर यहां भी कायम रही बॉलीवुड के इन दोनों स्टार्स के बीच की दूरियां। कैटरीना कैफ की बर्थडे पार्टी से शुरू हुआ ये खान वॉर क्यों नहीं ले रहा है खत्म होने का नाम, जबकि एक के बाद एक कई ऐसे मौके आ रहे हैं जब दोनों खान्स के बीच हो सकती है सुलह की शुरुआत। पर ना तो बॉलीवुड का बादशाह कॉम्प्रोमाइज के मूड में नजर आ रहा है, और ना ही सलमान के लिए गवारा नजर आ रही है सुलह की कोशिश। यानी लगता तो यही है कि फिलहाल इन दोनों स्टार्स के बीच की दूरियों को नजदीकियां बनने में अब भी थोड़ा और वक्त लगेगा। ये दूरियां, इन राहों की दूरियां। पंकज कौरव के साथ जानवी मोरजारिया, जूम मुंबई। हम राहों